मनप्रीत बादल की पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के बाद अब सुरजीत सिंह बरनाला की अकाली दल लौंगोवाल का कांग्रेस में विलय तय। कैबिनेट मंत्री दलजीत चीमा का बयान, कहा नहीं पड़ेगा फर्क, जनता सब समझती है। पंजाब सरकार के बिजनेस समिट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, नेता विपक्ष चरणजीत सिंह चन्नी ने लगाया बादल सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप। कांग्रेस के खडूर साहिब उपचुनाव न लड़ने के फैसले का विरोध करने वाले जगमीत बराड़ के खिलाफ कांग्रेस के 20 पूर्व विधायकों ने खोला मोर्चा। खडूर साहिब उपचुनाव में नामांकन रद्द होने पर बोले भाई बलदीप सिंह, नामांकन दर्ज करवाते वक्त सौंपे थे पर्याप्त सबूत। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने पहली 20 स्मार्ट सिटीज के नामों का ऐलान किया, पहले फेज में पंजाब से लुधियाना भी शामिल। मोगा में लाला लाजपत राय के जन्मस्थान जुड़ी के गांव में हर साल की तरह इस बार भी लाला जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पहुंचे। लाला लाजपत राय की 150वीं जयंती पर सुखबीर सिंह बादल का कांग्रेस पर वार, बोले कांग्रेस के खजाना खाली होने के दावे झूठे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के सम्मेलन में छात्रों से सवाल जवाब के दौरान पंजाब से जुड़े मुद्दों को निष्पक्ष तरीके से जनता के बीच रखने के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की सराहना की। अबोहर भीम हत्याकांड के आरोपी शिवलाल डोडा को भेजा गया 4 दिन की पुलिस रिमांड पर। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर कल संदिग्ध बैग से बरामद हुए हथियारों के मामले में तेज हुई जांच, बैग से कुछ दस्तावेज और मोबाइल बिल भी बरामद। फौज और पुलिस की वर्दी की बिक्री के लिए जारी किए गए नियम, दुकानदार अब बिना आईडी प्रूफ के नहीं बेच पाएंगे आर्मी और पुलिस की वर्दी। बाबा रामदेव के गुरु आचार्य बलदेव का आज रोहतक में अंतिम संस्कार, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर रहेंगे मौजूद। हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समितियों की कड़ी सुरक्षा में हुई मतगणना, जीते उम्मीदवारों में देखी गई खुशी की लहर। सिरसा जिले में जिला परिषद के चुनाव सबसे दिलचस्प रहे, यहां चौटाला परिवार के 3 सदस्यों ने 2 वार्ड पर अपनी उम्मीदवारी दिखाई थी, जिसमें अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला ने वार्ड नंबर 12 में और भाई आदित्य चौटाला ने वार्ड नंबर 4 में बाजी मारी। हरियाणा में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद निर्वाचन आयोग ने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखकर आचार संहिता हटाने के लिए सूचित किया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आज होगा जिला परिषद और जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, कांगड़ा की सरदारी के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने झोंकी ताकत। कांग्रेस के सेवा दल की बैठक में बनाई गई आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, लोगों के पास जाकर सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए लिया गया फैसला। एक और खासियत के लिए जाना जाएगा खूबसूरत शहर मनाली, देश की सबसे ऊंची और लंबी टनल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। बाबा राम रहीम अपनी चौथी फिल्म की तैयारियों में जुटे हैं, बाबा के मुताबिक उनकी चौथी फिल्म हॉलीवुड बेस्ड मूवी है। उधमपुर में एक टेरर अटैक मामले में एनआईए ने चार्जशीट पेश की है, चार्जशीट में जिंदा पकड़े गए नवीद और लश्कर के 3 आतंकियों समेत 9 आरोपियों के नाम है। रेलवे ने ई टिकटिंग के नियम में बड़ा बदलाव किया, नए नियम के मुताबिक 1 यूजर आईडी से सिर्फ 1 महीने में 6 टिकट ही बुक हो पाएंगे। अंबाला के डीआरएम ने रेल मंत्रालय की पहल पर यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए ट्विटर अकाउंट खोला है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को आंखों से संबंधित रोगों की जांच और उपचार के मकसद से सेना ने आई कैंप का आयोजन किया। सार की बेटी डिंकी बंसल ने हरियाणा का नाम रोशन किया, सीएस की परीक्षा में उत्तर भारत में हासिल किया पहला स्थान।